Hello children, in this video we will do Python list. What is list in Python? The Python lists are containers that are used to store a list of values of any type such as string, integer, float, objects or even a list. Python list क्या होता है? ये containers होते हैं जिसके अंदर हम values को store करते हैं. Fine, they are like containers जिसके अंदर हम values को store करते हैं और values किसी भी data type की values हो सकते हैं, string value और integer value, float value और even we can store a list inside another list, right? Okay, so Python lists are like containers which store values of any data type. The values that make up a list are called its elements. Okay, जो list के अंदर हम लोग values store करते हैं वो क्या कहा जाता है? उसको list elements कहा जाता है. Elements of a list are enclosed in square brackets separated by commas. और list की identification क्या है? List के elements को हम square brackets में enclose करते हैं, मतलब उसे हम square bracket में store करते हैं और जितने भी elements होते हैं वो एक दूसरे से comma की help से separate किए जाते हैं, right? Okay, जैसे आप एक example ले सकते हो, हमने एक list बनाई fruit, उसमें आपने elements ले banana, apple, mango, तो banana, comma, apple, comma, mango, like this you can store the fruits inside the fruit list. Okay, so Python list is what? It is a container which store values of different data types, right? Python lists are mutable. Python list क्या होती है? Mutable होती है. Mutable means that can be changed, जिसको हम change कर सकते हैं. We can change the elements of a list in place. Python will not create a fresh list when we make changes to an element of a list. पाइथन में हम किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसके प्लेस पे कोई दूसरा एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को चेंज करोगे तो आप पाइथन क्या करेगा, दूसरी लिस्ट बनाएगा. नो, इट विल मेक चेंजेस इन द रियल लिस्ट. फाइन, दैट्स व्हाई पाइथन लिस्ट्स आर कॉल्ड एज म्यूटेबल, दैट कैन बी चेंज्ड. फाइन, एलिमेंट्स इन अ लिस्ट नीड नॉट बी ऑफ द सेम टाइप. लिस्ट्स आर हेटरोजीनियस ऑफ मल्टीपल टाइप्स इन नेचर. पाइथन लिस्ट में आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो. लाइक मैंने, अगर आप एक स्टूडेंट लिस्ट बना रहे हो, उसमें आप फर्स्ट लोगे रोल नंबर, रोल नंबर इंटीजर होगा, देन स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम आपका स्ट्रिंग होगा, राइट? देन मास, अगेन यू कैन टेक द फ्लोट. ओके, सो पाइथन लिस्ट कंटेन्स हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स. हेट्रोजीनियस मीन्स जिसमें हम एक से ज्यादा डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं. फाइन, ओके, सो लिस्ट कैन बी ऑफ सिंगल डेटा टाइप और लिस्ट कैन बी ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप. ऐसा है कि अगर आप चाहते हो कि सिंगल डेटा टाइप से बनाना, तो आप इंटीजर की लिस्ट बना सकते हो, फ्लोट की लिस्ट बना सकते हो, और आप मिक्स डेटा टाइप्स की लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को यूज करके भी लिस्ट बना सकते हो. लिस्ट इज अ टाइप ऑफ सिक्वेंस लाइक स्ट्रिंग एंड टपल्स, बट लिस्ट आर म्यूटेबल एंड स्ट्रिंग एंड टपल्स आर इम्यूटेबल. ओके, लिस्ट क्या है? एक सीक्वेंस है. आप इस सीक्वेंस में उसके अंदर वैल्यूज डालते हो, 1, 2, 3 लाइक दिस. ओके, इन अ सीक्वेंस 1 by 1 आप उसके अंदर वैल्यूज डालते हो लिस्ट के अंदर. ऐसे ही स्ट्रिंग और टपल भी क्या है? सीक्वेंस है. बट इनमें डिफरेंस क्या है? लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है. लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं. स्ट्रिंग एंड टपल आर इम्यूटेबल. स्ट्रिंग और टपल्स में हम उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते. फाइन, ओके, so these were the characteristics of list. Now declaring or creating list. अब हम list को declare कैसे करेंगे या list को बनाएंगे कैसे? List can be created by putting comma separated values within square brackets. लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं? लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यूज डाल के आप बना सकते हो लिस्ट को, राइट? सो हियर वी हैव अ सिंटेक्स. आप देख सकते हो, आपको सिंटेक्स दिया हुआ है लिस्ट का. लिस्ट नेम आप दोगे एंड देन इक्वल टू एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट. अब जब स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू नहीं है तो कौन सी लिस्ट बनेगी? एम्प्टी लिस्ट. एम्प्टी लिस्ट मीन्स लिस्ट दैट डज नॉट हैव एनी वैल्यू. एम्प्टी लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है? जो खाली लिस्ट होती है, उसमें कोई वैल्यू नहीं होती, राइट? सेकेंड सिंटेक्स आपका क्या है? लिस्ट नेम इक्वल टू वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 लाइक दिस. आपने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दिया? लिस्ट के एलिमेंट्स दिए, राइट?
ओके नाउ हियर वी कैन सी द एग्जांपल. आपने फ्रूट लिस्ट बनाई, उसमें आपने उसके एलिमेंट्स दिए, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स. ओके एंड दे आर सेपरेटेड बाय कोमास. यू कैन सी हियर दे आर सेपरेटेड बाय कोमास, राइट. एंड स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो आप स्ट्रिंग वैल्यूज हमेशा सिंगल या डबल कोट्स में एनक्लोज करोगे. फाइन. ओके सेकेंड लिस्ट हमारी स्टूडेंट लिस्ट है. ओके स्टूडेंट लिस्ट में आपने मल्टीपल डेटा टाइप्स का यूज किया. यहाँ पे इंटीजर लिया है, उसका रोल नंबर, देन स्टूडेंट नेम, देन आर क्लास, देन साइंस स्ट्रीम. ओके तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज है. ओके अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ और आप एग्जांपल्स देखोगे लिस्ट के. सबसे पहले हमने लिस्ट L1 बनाई है. ओके और वो क्या है, एम्प्टी लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिस्ट में कोई भी वैल्यू नहीं डाली है. फाइन. सेकेंड आपकी L2 है. L2 आपकी कौन सी है, इंटीजर है. 1, 2, 3 आपने उसमें इंटीजर वैल्यूज इंसर्ट किए हैं. आपकी थर्ड है L3. L3 में आपकी क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड फ्लोट. यहाँ पे 10, 20 आपके इंटीजर्स हैं, 2.5, 13.7 आपकी फ्लोट वैल्यूज हैं. Then you have list of characters. List of characters आपने बनाया A, B, C, D, ये आपने characters insert किए हैं. List of string, okay, string values, L5 आपकी string value की list है. यहाँ पे आपने red, green, blue string values दिए. Okay. Then you have list with examples of different data types. Yeah, okay, L6 में क्या है, different data types की आपकी string है. आपका string value है deep. Then आपका integer 450, float value 30.4, then आपकी string python, then integer value, negative integer, okay. Then you have L7. L7 हमने कौन सी लिस्ट बनाई है, ये हमारी नेस्टेड लिस्ट है. नेस्टेड लिस्ट कौन सी होती है, जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को आप इंसर्ट करते हो. तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, देन सेकेंड एलिमेंट है 4, एंड थर्ड एलिमेंट क्या है, एक छोटी सी लिस्ट है 5, 6, 7, एंड देन फोर्थ एलिमेंट इज 8. तो यहाँ पे 3 की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 3 की इंडेक्स वैल्यू आपकी 0 होगी. फाइन. 4 की इंडेक्स वैल्यू 1 होगी, और ये इसकी लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू आपकी 2 होगी. ओके एंड देन आपकी 8 की इंडेक्स वैल्यू 3 होगी. ओके सो यहाँ पे L7 में कितने एलिमेंट्स में, L7 में टोटल 4 एलिमेंट्स है. ओके यहाँ पे जो लिस्ट है वो इट विल बी कंसीडर्ड एज 1 एलिमेंट. ओके ओके अंडरस्टूड. नाउ क्रिएटिंग अ लिस्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस. हम एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस लाइक टपल, स्ट्रिंग और अनदर लिस्ट, इससे क्या कर सकते हैं, अपनी एक नई लिस्ट बना सकते हैं. ओके तो इसका सिंटेक्स क्या है, व्हाट इज द सिंटेक्स. सी आपको क्या लेना है, लिस्ट नेम इज इक्वल टू, लिस्ट नेम हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर लिस्ट स्टोर होगी. अब विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन वी कैन क्रिएट लिस्ट फ्रॉम अ सीक्वेंस. अब लिस्ट फंक्शन में हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को पास करेंगे, राइट. कोई भी सीक्वेंस हो, स्ट्रिंग सीक्वेंस हो, आपका टपल सीक्वेंस हो या अनदर लिस्ट हो. ओके आप जो भी सीक्वेंस पास करोगे, लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा लिस्ट के अंदर. फाइन. अब देखो द लिस्ट फंक्शन इन पाइथन टेक सीक्वेंस टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू लिस्ट. तो इट इज वेरी सिंपल, वी हैव टू जस्ट मेक यूज ऑफ लिस्ट फंक्शन. लिस्ट फंक्शन के अंदर जो भी सिक्वेंस आप पास करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो हमें और वो लिस्ट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा. फाइन. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे क्रिएटिंग अ लिस्ट फ्रॉम अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग से आप कैसे लिस्ट बनाओगे. फाइन. सबसे पहले आपने क्या किया, L1 वेरिएबल लिया यहाँ पर. ओके इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट फंक्शन का यूज किया, लिस्ट फंक्शन में आपने स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी पाइथन. अब लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, इस पाइथन स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में. फाइन. और वो लिस्ट कहाँ पे जाके स्टोर जाएगी, L1 में. अब जब आप L1 को प्रिंट कराओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी क्या ये लिस्ट क्रिएट हो गई है, PYTHON. तो जो स्ट्रिंग के लेटर्स थे, अल्फाबेट थे, अब वो क्या बन चुके हैं, वो लिस्ट के एलिमेंट्स बन चुके हैं. फाइन. अगर आपको चेक करना है कि L1 का टाइप क्या है, आप टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो इसका आंसर आया हुआ है क्लास लिस्ट. Fine. Now see, list L1 is created from another sequence, a string Python. List generated its individual elements from the individual letters of the string. तो ये क्या कह रहा है? List ने अपने individual elements को generate किया कहाँ से?
स्ट्रिंग के इंडिविजुअल लेटर्स से, मतलब स्ट्रिंग के जो लेटर्स थे वो अब क्या बन चुके हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स बन चुके हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ लिस्ट फ्रॉम अ टपल. अब हम टपल का एग्जांपल लेते हैं. फाइन, यहाँ पे हमने एक टपल लिया है, ठीक है. टपल के एलिमेंट्स है एच ई एल एल ओ, टपल. ओके, वी नो डेट वॉट इज टपल. टपल इज अ सिक्वेंस, ओके, लाइक अ लिस्ट, बट इट इज इम्यूटेबल. ओके, टपल क्या होते हैं, सिक्वेंस होती है, बट इसके ये क्या होती है, इम्यूटेबल होती है. अब हमने क्या किया, एल वन वेरिएबल लिया, ओके, एंड देन इज इक्वल, एल वन वेरिएबल इज इक्वल टू लिस्ट फंक्शन. लिस्ट फंक्शन के अंदर हमने पास कर दिया टपल को, ओके, एंड वी नो डेट जो भी सिक्वेंस हम लिस्ट फंक्शन में पास करेंगे वो क्या होगा, वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. फाइन, तो अब देखो लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ स्टोर हो गया, एल वन में जाके स्टोर हो गया. तो यहाँ पे जब हमने एल वन को प्रिंट कराया, नाउ यू कैन सी, ओके, नाउ द एलिमेंट्स ऑफ द टपल्स हैज बिकम द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. जो टपल के एलिमेंट्स थे वो लिस्ट के एलिमेंट्स बन चुके हैं. यहाँ पे एच ई एल एल ओ, ये क्या है, लिस्ट के एलिमेंट्स बन चुके हैं, राइट. लिस्ट फंक्शन की हेल्प से टपल किस में कन्वर्ट हो गई, लिस्ट में कन्वर्ट हो गई. ओके, नाउ यू कैन सी लिस्ट एल वन इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर सिक्वेंस और टपल. लिस्ट जनरेटेड इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द पास्ट टपल. फाइन, नाउ टपल हैज बीन कन्वर्टेड इन टू द लिस्ट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट. एम्प्टी लिस्ट, आपने क्या किया, वेरिएबल या लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट फंक्शन. अब देखो लिस्ट फंक्शन के अंदर हमने कोई भी सिक्वेंस को पास नहीं किया, ओके. लिस्ट फंक्शन सिंपल सिंपली हमने राइट डाउन किया यहाँ पर विदाउट एनी सिक्वेंस, ओके. तो जब आप लिस्ट वन को प्रिंट करोगे तो क्या होगा, आपके पास एम्प्टी लिस्ट आएगी. फाइन, एम्प्टी लिस्ट क्यों आई है, क्योंकि हमने लिस्ट फंक्शन के अंदर कोई भी सिक्वेंस पास नहीं की है. फाइन, ओके, तो एम्प्टी लिस्ट होती है उसका क्या यूज हो सकता है, हम एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं पहले और बाद में लेटर ऑन हम प्रोग्राम के अंदर उसको यूज कर सकते हैं, हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यूज. फाइन, और एम्प्टी लिस्ट किसके इक्विवेलेंट होती है, इट इज इक्विवेलेंट टू द जीरो और स्पेस. फाइन, ओके, सो This is the way to create the empty list. अब हमारा है creating a list to user input. User से input करा के आप list कैसे बनाओगे? तो आपने सबसे पहले क्या किया? Input function से आपने user से input कराया, ठीक है? Input function का use किया, enter the list elements, okay, it will create the prompt. Enter the list element और आपने input function को कहाँ pass किया? List function के अंदर pass किया है. ओके, लिस्ट फंक्शन के अंदर पास किया, तो जो भी इनपुट यूजर करेगा, ओके, लिस्ट फंक्शन उसे क्या कन्वर्ट कर देगा, उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा. और वो लिस्ट कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, लिस्ट वन के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी. ओके, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले आपका प्रॉम्प्ट आएगा एंटर द लिस्ट एलिमेंट. यहाँ पे आपने क्या किया, स्ट्रिंग दे दी, वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग. यूजर इनपुट क्या है हमारा, वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग. अब ये इनपुट लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, इस इनपुट को कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में, ओके. और वो लिस्ट कहाँ पे जाके स्टोर होगी, लिस्ट वन में. तो यहाँ पे देखो जब आप लिस्ट वन को प्रिंट करते हो तो आपके पास क्या आ गई, लिस्ट आ गई है जिस ऑफ लेटर्स ऑफ द स्ट्रिंग, ओके. जो स्ट्रिंग के लेटर्स थे अब वो क्या बन चुके हैं, वो लिस्ट के एलिमेंट्स बन चुके हैं. डब्ल्यू ई एल सी ओ एम ई वेलकम लाइक दिस, ओके. सो लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड. अब ये हमारी लिस्ट बन चुकी है यूजर इनपुट से. We can create a list through a user input using the list method. Fine, हम list method की help से user से input करा के उस input को list में convert कर सकते हैं. Okay, so we have done how we can create the different types of list in this video. We will meet in next video with other topic. Hello children, in this video we will do how we can create list from an existing list. ओके, जो हमारी एक पहले से बनी हुई लिस्ट है उससे हम दूसरी लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे. लेट अस सपोज हमने एक लिस्ट बनाई, हियर हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट वन इक्वल टू 10 20 30 40 50 60, राइट. दिस इज आवर लिस्ट वन. फाइन, अगर आप लिस्ट वन को प्रिंट कराते हो तो यू कैन सी दिस इज योर लिस्ट वन, ओके, सॉरी लिस्ट वन, दिस इज योर लिस्ट वन, ओके. अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखती हूँ, लिस्ट टू
इज इक्वल टू लिस्ट वन कॉलन दिस। ओके, तो यहां पे क्या है, मैंने क्या बनाया है, लिस्ट टू विल बिकम कॉपी ऑफ लिस्ट वन। ओके, क्या बनेगा, लिस्ट टू क्या बनेगी, कॉपी बन जाएगी लिस्ट वन की। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने ना तो स्टार्टिंग वैल्यू दी है ना ही एंडिंग वैल्यू दी है लिस्ट वन ने। ठीक है, तो ये जीरो इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करेगी टिल द एंड ऑफ द लिस्ट, तो लिस्ट टू विल बिकम द कॉपी ऑफ लिस्ट वन। फाइन, अब जब आप यहाँ पे लिस्ट टू को प्रिंट करोगे, यू कैन सी क्या है ये, लिस्ट टू क्या बन गई है, लिस्ट वन की कॉपी बन गई है। राइट, ओके, अब मुझे बनानी, हमने लिस्ट थ्री ली, लिस्ट थ्री में आपने लिया लिस्ट वन, वन इंडेक्स वैल्यू से आप स्टार्ट करोगे एंड देन फोर इंडेक्स। राइट, तो आपके इसके अंदर लिस्ट थ्री आप बनाओगे किससे, लिस्ट वन से बनाओगे, और वो कहां से कहां तक लेगी इंडेक्स वैल्यू, वन इंडेक्स से लेकर आपका फोर माइनस वन, फोर माइनस वन क्या होगा, थ्री। ओके, तो टेन आपका जीरो इंडेक्स पे है, वन पे क्या है ट्वेंटी, वन टू टू पे क्या है थर्टी, थ्री थ्री पे क्या है फोर्टी। ओके, तो हमारी कहां से कहां तक वैल्यू आएगी, वन से लेकर थ्री तक, फोर माइनस वन इज थ्री। ओके, तो आपका रिजल्ट हम यहाँ पे देखेंगे, लिस्ट थ्री। ओके, अंडरस्टूड, हमने यहाँ पे लिस्ट थ्री बनाई है लिस्ट वन के एलिमेंट्स को लेकर, वन इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी, फोर माइनस वन डेट इज थ्री। तो आपकी वन टेन टेन वैल्यू किस पे, जीरो इंडेक्स पे, ये नहीं आपको लेनी, ट्वेंटी वन पे है, देन टू देन थ्री। ओके, ऐसे ही आप लिस्ट फोर ले लो एंड देन लिस्ट वन। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो, लिस्ट वन को इनिशियलाइज करो लिस्ट फोर में, सो लिस्ट फोर विल हैव ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिस्ट वन। फाइन, सी अब अगर मैं लिस्ट फोर को प्रिंट कराती हूँ तो यू कैन सी हियर लिस्ट फोर क्या है, लिस्ट वन की कंप्लीट कॉपी है। ओके, तो हम एक लिस्ट के अंदर से दूसरी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करके। फाइन, सो दिस इज व्हाट, हाउ वी कैन क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट।